लास्ट लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना सिखाया गया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन भी आप उसको कह सकते हैं आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही डेरिवेटिव्स निकालना सिखाएंगे कि किस तरीके से डिफरेंट थियरम्स ऑफ डिफ्रेंसीशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर अप्लाई होकर उनके डेरीवेटिव की एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं तो ये पहली एक्सरसाइज या पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग जो डिवेटिव जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपने लेक्चर की तरफ़ मूव करने से पहले अगर मैं आपको ये छः फार्मूलाज थोड़े से एक्सप्लेन कर दूं तो ये बहुत फ़ायदा मंद होंगे कि अगर ये आपको नहीं आते होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल नहीं होंगे तो पहला फार्मूला आपके पास क्या है पहला फार्मूला आपको कहता है कि जब कभी भी आपने क्या करना है आपने डेरिवेटिव लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन है साइन का तो आंसर हमेशा कॉज आएगा सिमिलरली जब आप कॉज का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर माइनस साइन आएगा सेम इज़ अ केस ऑफ येयर कि जब टेन लेते हैं तो आपका टेन का डेरिवेटिव जो होगा सीकेंड स्केयर एक्स आएगा उसके बाद को सीकेंड का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स आएगा सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स और लास्ट में आपका कॉट एक्स माइनस को सिकेंट एक्स ठीक है ये आपके पास साइन है ये इसका रेसिप्रोकल है ठीक है सिमिलरली ये कॉज है ये उसका रेसिप्रोकल है दिस इज टैन दिस इज द रेसिप्रोकल तो ये छह फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव अप्लाई होते हैं तो क्या आंसर जनरेट करते हैं वो आपको राइट हैंड साइड बता रही है इसको रिकॉल रिमेंबर करने का एक आसान तरीका ये है कि स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है कि माइनस किसके साथ लगना और प्लस किसके साथ लगना तो बहुत सिंपल सी निशानी बता रही हूँ दैट इज़ अ क्रैमिंग मैथड ठीक है ये कहीं किसी मैथ की बुक में नहीं लिखा हुआ कि ये कोई रूल है याद करने का ये सिर्फ़ आपको क्रैमिंग का तरीका बता रही हूँ कि जहाँ कहीं भी सी से डेरेवेटिव्स ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनज आए जो सी से स्टार्ट हो रहे हों तो उनका आप डिवेटिव अगर निकालना चाहें ये सी है ये सी है तो ये सी है तो इनके साथ आपने एडिशन किसकी करनी है माइनस की ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ एज सच इसमें मैथमेटिकली कोई लॉजिक नहीं है सिर्फ ये कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होता है कि कहाँ पर माइनस आना है कहाँ पर प्लस आना है तो ये एक तरीका हो गया कि सी को आप रिम्बर कर लें कि सी जहाँ आएगा उसके डायरेवेटिव जब भी लिया जाएगा तो नेगेटिव साइन की एग्जिस्टेंस होगी तो आप मूव ऑन करते हैं आपने क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव की तरफ स्टूडेंट्स पहले पार्ट की तरफ अगर हम चलें तो पहला पार्ट आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर टू में वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व कि जो भी वेरिएबल आएगा उसके रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो इस क्वेश्चन में बताते चलूँ कि आप लोगों ने सिंपल रूल ही अप्लाई करने हैं जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं थियरम्स ऑन डिफरेंशिएशन वो अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैप्टर नंबर टू के इस तमाम लेक्चर्स का तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं हम उसी से यहाँ पर थेरम अप्लाई करेंगे वेदर दैट इज़ पावर रूल प्रोडक्ट रूल क्वेशन रूल ठीक है कॉन्सटेंट का कोई रूल है ठीक है तो वो सारे रूल्स वही हैं थेरम्स ऑन डिफ्रेंसीशन जो हम लोग पहले कर चुके हैं लेकिन अब फर्क ये है कि पहले कोई नॉमिल्स पर अप्लाई हो रहे थे अब हम लोगों ने क्या करना है अब कॉम्बिनेशन आ जाएगा अब एक ऐसा आपको फंक्शन दिया जाएगा जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाजमन होगा मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशोज हैं उनकी एग्जिस्टेंस लाजमन होगी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो so, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं सोल्यूशन आपको क्या इसका बहुत सिंपल है आपने लेट कर लेना है लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स केयर सीकेंट फोर एक्स अब अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो आपके पास एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है ठीक है दो फंक्शन हैं आपके पास एक आपके पास फंक्शन है एक्स के है और दूसरा आपके पास कौन सा फंक्शन है सिकेंड फोर एक्स और वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है वेरिएबल आपके पास यहाँ पर एक्स है तो वो कहता है कि जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट से आप इसको डिफरेंशिएट कर लें तो आप यहाँ पर लिख लेंगे डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स y को क्योंकि x में एक्सप्रेस किया जा रहा है ना y की वैल्यू में x की एग्जिस्टेंस है इसलिए वेरिएबल यहाँ पर आपके पास क्या है x है तो आप y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या आ जाएगा dy वाई ओवर डी ऑफ एक्स यहाँ पर आप देखें कि दो फंक्शन हैं यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है ठीक है एफ ऑफ एक्स है और ये चीज़ आपके पास क्या है जी ऑफ एक्स है अगर एक चीज़ आपके पास एफ़ ऑफ एक्स दूसरी जी ऑफ एक्स इसका मतलब है दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई जब भी फंक्शन होते हैं तो उस पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वो क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रोडक्ट रूल आपके पास ये है कि फर्स्ट एज़ इट इज़ होता है आपके पास डेरीवेटिव आप ले लेते हैं किसका सेकेंड का फिर प्लस आता है सेकेंड आपके पास एज़ इट इज़ होता है और डेरीवेटिव आप फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट के पास एक्स केयर अब जरा यहाँ पर गौर करें एक्सकेयर एज इट इज रहेगा सिकेंड फोर एक्स सिकेंड फोर एक्स है डायरेवेटिव जरा सीकंड का कर चेक करें सीकंड का कर डायरेवेटिव होता है जो यहाँ पर एंगल होगा वही आपने यहाँ लिखना है यहाँ पर एंगल है फोर एक्स तो है यहाँ पर एक्स था तो एक्स आया था अब यहाँ इस क्वेश्चन में फोर एक्स आएगा मतलब इसका डायरीवेटिव अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या आ रहा है सिकेंड फोर एक्स टेन फोर एक्स इतना लिखने के बाद एक स्टेप जो एडिशनल होगा यहाँ पर वो ये होगा कि हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव ये देखें वन आ रहा था एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से वन आ रहा था तो इसलिए लिखने की ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर अब एक्स नहीं है यहाँ पर एंगल क्या है फ़ोर एक्स हमें लिखना पड़ेगा ठीक होगी बात अब हम मज़ीद क्या करेंगे नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जाते हैं प्लस सिकेंड फोर एक्स इस पर आप लगाएंगे पावर रूल पावर रूल क्या कहता है पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम टू में से वन माइनस करें वन आ जाता है और विदाउट पावर डेरिवेटिव आपके पास वन आ जाएगा तो उसकी मजीद वैल्यूएशन करें एक्स केयर सिकेंड फोर एक्स टेन फोर एक्स इस पर दोबारा आप कांस्टेंट वाला रूल लगा दें कि डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाय निकाल देता है मीन्स ये आप चलें इस तरह से लिख लें फोर बाहर आ गया और डेरिवेटिव जब एक्स पर अप्लाई होगा तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से यहाँ पर भी मेंशन है वो क्या हो जाएगा वन तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर इस तरीके से करें कि टू एक्स आप स्टार्ट में लिख लें और ये फोर एक्स अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना टेन का एंगल ये है सीकेंड का एंगल ये है ये कांसटेंट है कॉन्सटेंट को आप फ्रंट पर ले आए फोर एक्स के सीकेंड फोर एक्स टेन फोर एक्स और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया टू एक्स सिकेंड फोर एक्स तो ये आपने क्या फाइंड आउट किया है ये बेसिकली आप लोगों ने डरेवेटिव फाइंड आउट किया है एक्स के सिकेंड फोर एक्स का बेशक यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं कॉमन आपके पास आ रहा है टू एक्स सिकेंड एक्स तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा टू एक्स टेन फोर एक्स प्लस वन तो यह आपने फाइंड आउट कर लिया है डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो नेक्स्ट पार्ट आपको क्या कहता है वो कहता है कि आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है टेन क्यूब थीटा और सीकेंड स्केयर थीटा का तो बहुत सिंपल है आप लोग क्या कर लें लेट वाई इज इक्वल्स टू टेन क्यूब थीटा सिकेंड स्क्य थीटा अब यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि जो वेरिएबल आपका इन्वॉल्व होगा उसकी रिस्पेक्ट से लेंगे तो यहाँ पर y किस में एक्सप्रेस हो रहा है y इज एज अ फंक्शन इज एक्सप्रेसिंग ओवर ईयर इज एक्सप्रेस ओवर ईयर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो आप डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा अब आपके पास वेरिएबल क्या है थीटा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा आ जाएगा यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास अगेन प्रीवियस पार्ट की तरह ये प्रोडक्ट रूल है ये आपके पास एफ ओफ एक्स है और ये आपके पास जी ओफ एक्स है तो आप किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे कि फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव आप ले लेंगे सेकंड का प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरीवेटिव आप फाइंड आउट कर लेंगे किसका फर्स्ट का अब इसकी एग्जीक्यूशन देखें टेन क्यूब थीटा एज इट इज और इस पर आप क्या अप्लाई करेंगे इस पर आप अप्लाई करेंगे पावर रूल सारा प्रोसेस वही है पहले एक्स स्क्वायर होता था अब एक्स की जगह उसने बस सीकेंड थीटा लिख दिया है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मतलब कोई भी नई चीज़ नहीं याद की है बस सिर्फ सिंपली पहले एक्स केयर होता था अब एक्स की जगह आप रिज्यूम कर लें कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसने दी होगी या फंक्शन दिया होगा देखिए पावर स्टार्ट में आ गई पावर में से एक कम किया तो टू थे तो वन बच गया और फिर विदाउट पावर आपने डेरीवेटिव ले लेना है विदाउट पावर डेरीवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा वो ज़रा देखें अच्छा इस चीज़ को मैं मज़ीद एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूँ कि आप पर का स्केयर थीटा हो तो ये अलग चीज़ है और थीटा स्केयर हो तो वो अलग चीज़ है जो ये वाली चीज़ है ये बेसिकली इस तरीके से लिखी होती है थीटा होल स्केयर और ये इसका मतलब होता है सीकेंट एक ही और एंगल पर स्केयर है तो ये जो चीज़ है बेसिकली वो आपके पास ये है इस पर मैंने पावर लगाया पावर स्टार्ट में ले लिया टू आ गया पावर में से कम किया तो थीटा आ गया और विदाउट पावर मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो सिकेंड थीटा आ गया तो ये दो अलग चीजें इसको आप लोगों ने मर्ज नहीं होने देना प्लस एज इट इज सिक्स थीटा उसके बाद इस पर लगाए इसका भी फार्मूला देखें टेन क्यूब जो है ना जो क्यूब है वो टेन पर है वो थीटा पर नहीं है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे पावर स्टार्ट में आ गई पावर में से एक कम करेंगे पावर में से कम करेंगे तो यहाँ स्केयर बच जाएगा यहाँ पर आ गया थीटा और फिर विदाउट पावर आप डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा दैट इज़ डी बाय डी थीटा और विदाउट पावर पावर को हटाने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा टेन थीटा अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो स्टेप किस तरह से एग्जीक्यूट होगा ज़रा वो देख लें नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये कि मैं टू स्टार्ट में लिखने लगी हूँ टेन क्यूब थीटा सिकेंड थीटा और इसका डेरिवेटिव जरा यहाँ पर देखें क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव आ रहा है सिकेंड थीटा टेन थीटा और इसी तरीके से मैं थ्री स्टार्ट में लिख रही हूँ सिकेंड स्केयर थीटा टेन स्केयर थीटा और टेन थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पर अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या आ रहा है सिकेंड स्केयर तो मीन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिकेंड स्केयर थीटा इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या बनेगा आपके पास बन जाएगा टू टेन की पार फोर हो जाएगी क्योंकि थ्री ये है और वन ये है इसी तरह यहाँ पर सिकेंड स्केयर हो जाएगा आपके पास ठीक है थ्री यहाँ पर अगर आप गौर करें तो टैन स्केयर है और सिकेंड कितने हो जाएंगे वो फोर हो जाएंगे दो ये हैं और दो ये हैं आप कॉमन ले लें कॉमन किस तरह से आएगा आप किस तरह से कॉमन ले रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू टेन स्केयर थीटा और सीकेंड स्केयर थीटा आपने कॉमन लिया यहाँ पर आपके पास टेन फोर थे तो टू बच गए और यहाँ पर आपके पास थ्री सीकेंड स्केयर थीटा बच गया तो ये आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया पार्ट नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं पार्ट नंबर थ्री आपको क्या कहता है इसका डेरिवेटिव लें थीटा है उसी तरीके से तो आप लेट कर लें लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा होल्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है क्योंकि वाई थीटा में एक्सप्रेस हो रहा है तो आप उसी तरीके से पावर रूल लगाएंगे पावर रूल क्या है पावर स्टार्ट में ले लेनी है पावर में से आप एक काम कर देंगे ये पावर टू थी तो वन रहेगी और फिर पावर को हटा दिया जाए तो डेरिवेटिव लेना है मीन साइन टू थीटा और साथ में कॉस थ्री थीटा आपके पास आ जाएगा सो फाइंड आउट कर लें वो आपके पास क्या आ जाएगा टू साइन टू थीटा एज इट इज माइनस कॉस थ्री थीटा और इस पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पर इस साइड पर लिखा हुआ है साइन थीटा का डेरिवेटिव हमेशा कॉज होता है तो इसका डेरिवेटिव आ गया कॉज टू थीटा और फिर आपने एंगल का भी लेना होता है डेरिवेटिव मतलब ये लिखने के बाद क्योंकि यहाँ पर तो एक्स का एक्स रिस्पेक्ट से वन आ जाना था लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पर अब आपके पास टू थीटा एंगल है तो एंगल का डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है सिमिलर् यहाँ पर कॉज का देखें कॉज पर ये जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो कॉज का आंसर आएगा माइनस साइन वो माइनस और ये पहले से जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन थ्री थीटा और डेरिवेटिव आप साथ में लेंगे एंगल का और डेरिवेटिव आपने लिया एंगल का और एंगल आपके पास क्या है थ्री थीटा इसकी मज़ीद एग्जीक्यूशन अगर की जाए आगे तो वो आपके पास क्या होगा थोड़ा सा चलें इधर करके लिख लेते हैं ये आपके पास है टू साइन टू थीटा माइनस कॉज थ्री थीटा यहाँ पर इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की जाए तो वह आपके पास कॉज टू थीटा एज इट इज ये टू जो है वो आपका बाहर आ जाएगा और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वन होगा प्लस साइन थ्री थीटा एज इट इज और थ्री थीटा का थ्री बाहर आ जाएगा और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वन अब आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने टू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया वो एंगल है उसके साथ कुछ नहीं आप कर सकते ये टू आप स्टार्ट में लिख सकते हैं ये थ्री भी आप स्टार्ट में लिख सकते हैं मीन्स आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टू साइन टू थीटा माइनस कॉज थ्री थीटा और यहाँ पर आ गया टू कॉज टू थीटा प्लस थ्री साइन थ्री थीटा तो ये आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर फोर की तरफ तो पार्ट नंबर फोर आपको क्या कह रहा है पार्ट नंबर फोर आपको कह रहा है कि आपने इसका डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है लेकिन आपकी बार आपके पास वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स है क्योंकि आपके पास वाई की वैल्यूज़ एक्स में एक्सप्रेस हो रही हैं तो आप डेरीवेटिव किसी रिस्पेक्ट से लेंगे यू हैव टू टेक द डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर या अच्छा अब ये चीज़ और है ये चीज़ और है ये होल पावर है, है अगर होल पावर हो तो पावर रूल लगता है आपके पास ठीक है यह पावर फार्मूला और ये होल पावर नहीं है सिर्फ एंगल पे पावर है तो इसमें डायरेक्ट हम एवेल्युएशन कर सकते हैं कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और एंगल आपकी बार ये है और फिर डेरिवेटिव का सॉरी एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं हम जबकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होल पार होने की वजह से पावर पहले स्टार्ट में लाएगा तो पावर पहले हटाएं वो वन बाय टू हो जाएगी और फिर पावर में से एक अगर आप काम करें तो वो वन बाय टू माइनस वन आपके पास माइनस वन बाई टू हो जाएगी और फिर विदाउट पावर आप डेरिवेटिव लेंगे ये दो अलग चीज़ें थी ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा वो किस तरीके से होगा माइनस साइन स्केयर रूट एक्स और यहाँ पर दोबारा से आपके पास पावर रूल लगने लगा पावर रूल क्या है पावर स्टार्ट में जब भी एज अ होल पावर होगी तो पावर रूल लगेगा पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और विदाउट पावर एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से वो वन आ जाएगा लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस वन बाई टू इसको हम नीचे ले आए तो आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ एक्स अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जरा गौर करें इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स है जो कि हम लोग यहाँ पर मैंशन करने लगे हैं अच्छा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें वो आपके पास क्या होगा वन बाई टू स्टार्ट में ले आए ठीक है साइन स्केयर रूट एक्स एज इट इज़ और ये बाय में स्केयर रूट एक्स ठीक होगी बात प्लस कॉज ऑफ एक्स एज इट इज टू साइन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स अब आपने ये नहीं करना कि ये एक्स आप इसके साथ काट रहे हो ये इसका एंगल है एंगल के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते वो एज़ इट इज़ रहेगा ठीक है अब आप इसको क्या करें वन बाय टू को कॉमन ले लें वन बाय टू को कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ आंदा साइन स्के रूट एक्स बाय स्के रूट एक्स प्लस कॉज एक्स और साइन ऑफ एक्स यह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट कर लिया डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट रूल्स या समेत वाला इन शॉर्ट ऑन को फॉलो करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वॉलमेंट होने पर डेरिवेटिव्स निकाले हैं स्टूडेंट्स अगर चले क्वेश्चन नंबर थ्री की जाने तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपको कहता है फाइंड डेरीवेटिव डी वाई एक्स ठीक है रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वह आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव आप किसका लेंगे सेकेंड का प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव आप किसका लेंगे फर्स्ट का अब अगर यहाँ पर देखें तो डेरिवेटिव कॉज का क्या आता है माइनस साइन आता है माइनस साइन वाई और फिर आप एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाय डी ऑफ एक्स यहाँ पर आगे आपके पास कॉज वाई और यहाँ पर गौर करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वन तो आपके पास आंसर क्या है यहाँ पर इस तरफ आपका डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी ऑफ एक्स और ये माइनस है इसको मैं यहाँ पर ला के प्लस कर देती हूँ साइन ऑफ वाई डी वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ वाई यहाँ से कॉमन ले लें डी बाई डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स साइन ऑफ वाई कॉज ऑफ वाई डिवीजन कर दें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू काज ऑफ वाई वन ओवर एक्स साइन ऑफ वाई ये आप लोगों ने इस इक्वेशन जो कि इक्वेशन तो थी लेकिन एक्सप्लिसिट रिलेशन भी था तो उसका डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स अगर इसके पार्ट नंबर टू की तरफ़ जाएं तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिए है वो भी आपके पास एक्सप्लिसिट रिलेशन है ठीक है एग्जाम्पल में आपको इम्प्लीसिट रिलेशन मिल जाएंगे तो आप उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं वैसे ये सिर्फ टेक्निक सिखाई गई है एंटी टेस्ट में कोई भी आपको फंक्शन है ज़रूरी नहीं है कि एंटी टेस्ट में आपको वो क्या करें बाउंड रहे हैं कि बुक के अंदर से क्वेश्चन नहीं तो बस सिर्फ ये एक टेक्निक है कि आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट के बाद डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास पार्ट नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट्स तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ उसका पहला पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ दूसरा मैं आपके लिए छोड़ दूंगी आप उसको ट्राई करेंगे अगर नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं ये इसका अगर वेटेज पेपर में इस क्वेश्चन का देखा जाए ना तो काफ़ी दफ़ा पेपर का ये हिस्सा रह चुका है मीन्स दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है आप इसको वाई के इक्वल लिख लें दैट इज इक्वल टू कॉस वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स ठीक है अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन माइनस साइन और वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स और फिर आप क्या करते हैं फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं और एंगल आपके पास यहाँ पर वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स है मज़ीद क्या करेंगे ये आपके पास ऐसे ही साथ साथ चलता जाएगा साइन ऑफ विद एंगल वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स ये सारी चीज़ है साइन का एंगल है और इस पर एज अ होल पावर है तो पावर रूल पहले लगाएं पावर स्टार्ट में कर लें ठीक है यहाँ पर मल्टीप्लाई का डॉट लगा देते हैं पावर में से एक काम कर देंगे वन प्लस एक्स ओवर वन प्लस टू एक्स जब पावर एक काम करेंगे तो माइनस वन बाई टू होगा और फिर डेरिवेटिव आप लेंगे किसका विदाउट पावर तो विदाउट पावर आपके पास वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स है ये इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तकरीबन सारे के सारे रूल्स सा आप एप्लीकेबल करेंगे ठीक है वो वन बाई टू आप चलें स्टार्ट में लें सारे के सारे रूल लगाए गए हैं इस क्वेश्चन में यही इम्पॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की कि ये पेपर का हिस्सा रहता है ठीक है इसको जब आप क्या करेंगे नीचे लेकर आएंगे इसको तो आपके पास कुछ इस तरह से चीज जनरेट होगी वो देखिएगा सिफावर पॉजिटिव कर दिए नीचे वन बाई टू हो जाएगा और आगे यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन टू लगेगा वन प्लस टू का स्क्यर और यहाँ पर आप क्या करेंगे वन प्लस टू एक्स एज़ इट इज़ और इसका डेरिवेटिव अगर लें तो वन का जीरो और एक्स का क्या आ जाएगा वन ठीक है फिर यहाँ पर माइनस वन प्लस एक्स और इनका अगर आप डेरिवेटिव लें तो वन का आ गया ज़ीरो और टू एक्स का आ गया आपके पास टू अब आपने स्टूडेंट्स ये नहीं करना कि इसके साथ कैंसिल हो गया वो उसका एंगल है उसको नहीं छेड़ना है वन बाय टू साइन इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ कर दिया है कि आपने इसको इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना ठीक है डबल डिवाइड है आप इसको ऊपर ले जाएं टू एक्स वन प्लस एक्स इसको मज़दे सिम्प्लीफाई कर लें आपके पास क्या हो जाएगा वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर वन प्लस टू एक्स देन माइनस टू माइनस टू एक्स इसको इससे कैंसिल कर दें आपके पास क्या बच जाएगा माइनस वन बाई टू साइन वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स ये आपके पास एंगल हो गया उसके बाद वन प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स और यहाँ पर आपके पास माइनस वन बचा ठीक है माइनस वन वन प्लस टू एक्स का स्केयर अब सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये है इसको देखें माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस ये चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी है ठीक हो गया ये मैंने टू यहाँ शिफ्ट कर दिया ये वन प्लस एक्स जो है वो नीचे एज़ इट इज़ के रूट अलग हो गया वन प्लस टू एक्स और वन प्लस टू एक्स में सॉल्व हुए क्योंकि यहाँ पर पार्ट टू है और अगर वन बाई टू है जब वो नीचे आएगा तो टू माइनस वन बाई टू आपके पास थ्री बाई टू हो जाएगा इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम आपने इन्हीं स्टेप्स पर करना है चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ मूव करें तो कहता है डिफरेंशिएट करें साइन ऑफ एक्ट को विद रिस्पेक्ट टू कॉज कॉट ऑफ एक्ट अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ क्वेश्चन को पिछली एक्सरसाइज की तरह तो ये बेसिकली आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेगी इक्वेशन किस तरह से बनेगी वो जरा देखते हैं लेट हम इसको यू का नेम दे देते हैं कि साइन ऑफ एक्स आपके पास क्या है वो यू के इक्वल है और बी इक्वल है कॉट ऑफ एक्स और वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपने साइन को विद रिस्पेक्ट टू कॉट करना है इसका मतलब है आपने यू को विद रिस्पेक्ट टू वी फाइंड आउट करना है अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो आपके पास क्या है u बेसिकली फंक्शन है किसका x का v भी फंक्शन है किसका x का तो यहाँ पर आपके पास पैरामीटर क्या हो गया x क्योंकि u और v दोनों को आप एक कॉमन पैरामीटर में एक्सप्रेस हैं तो यह x आपके पास पैरामीटर है लिहाजा u और v की जो इक्वेशंस हैं ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं मीन्स इस क्वेश्चन का जो आ, खुलासा निकला वो ये है कि अब इस क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको वो इक्वेशंस वो देगा जिसमें कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी और कहेगा आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करें लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस के आप डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं चेन रूल की हेल्प से निकालते हैं तो वो जरा देखिएगा वो किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स साइन के डेरीवेटिव आपको पता है वो क्या है कॉज ऑफ एक्स और एंगल का डेरीवेटिव चले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें कि एंगल का डेरिवेटिव अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कॉज ऑफ़ एक्स सिमिलरली हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी ऑफ एक्स तो कॉट का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज इक्वल टू माइनस को सिक्वेंट स्केयर एक्स और फिर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो कि आपके पास यहाँ पर एक्स है तो ये भी आपके पास वन आ गया जैसे ये वन आया था तो डी वी बाय डी एक्स आपके पास क्या आ गया दैट इज टू माइनस को सिक्वेंट स्केयर एक्स सो फॉर अभी आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि यू बाई डी वी निकालना है तो आप चेन रूल का इस्तेमाल करें डी यू बाई डी वी बेशक आप यहाँ पर लिख लें बाय चेन रूल तो चेन रूल आपके पास क्या है आपका कॉमन पैरामीटर एक्स है तो आपने यहाँ पर एक्स को इन्वॉल्व कर दिया ठीक है और यहाँ से वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर ये वैल्यू है आपके पास कॉज ऑफ़ एक्स और डी एक्स बाई डी वी वो आपके पास क्या है बेसिकली uh, ये डी वी बाई डी एक्स है हमें डी एक्स बाई डी वी चाहिए मीन इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तो वो हम लोग ले लेते हैं सिकेंट स्केयर एक्स ठीक होगी बात तो इसको अगर हम सिंपलीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास माइनस स्टार्ट में आ जाएगा ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन स्केयर एक्स आ जाएगा साथ में आ जाएगा कॉज एक्स तो ये आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है किसका फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट नंबर टू मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है चेन रूल का ही इस्तेमाल करते हुए आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू सीकेंड स्केयर एक्स तो अब मूव ऑन करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो बात हम लोग स्टार्ट uh, में मिस कर जाते थे लेकिन अब हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग हर वीडियो का हिस्सा बनाएं कि जो प्रीवियस पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं क्वेश्चन वो आप लोगों को नॉमिनेट करवा दें ताकि आप अगर सिलेक्टिव स्टडी करना चाहें तो भी आपकी ग्रेडिंग अच्छी रहे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि आज हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें से कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी पेपर का हिस्सा ना हो मीन जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो किसी ना किसी पेपर का हिस्सा है फिर भी मैं आपको उनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर टू अगर हम फोकस करें तो उसके चार पार्ट्स हैं और चारों किसी न किसी, किसी पेपर का हिस्सा रह चुके हैं ठीक है थीके? और अगर मैं इसमें से इम्पॉर्टेंट आपको जिनका वेटेज ज़्यादा है मतलब पिछले पास पेपर्स के एनालिसिस करते हुए जो ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं वो पार्ट नंबर टू काफी दफा पेपर का हिस्सा हुआ है और स्टूडेंट्स अगर हम पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव ऑन करें तो क्वेश्चन थ्री की अगर इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो उसमें दो पार्ट्स हैं दोनों ही पेपर का हिस्सा रह चुके हैं और इसमें से ज्यादा वेटेज जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट नंबर वन की है ज्यादा दफा ये पेपर में देखा गया है उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर फोर का एनालिसिस किया जाए तो क्वेश्चन नंबर फोर में दो ही पार्ट्स हैं और ये दोनों ही इक्वल वेटेज रखते हैं और ये दोनों ही काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुके हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ मूव ऑन करें तो इसके दो पार्ट्स हैं दोनों पेपर का हिस्सा रह चुके हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस एक्सरसाइज में आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पास पेपर्स किसी न किसी पास पेपर का हिस्सा ना रहा हो ठीक है तो इन दोनों में से जो वेटेज ज़्यादा है वो वन का है लेकिन ये दोनों पेपर में आए हुए हैं तो पास पेपर के हिसाब से अगर एनालिसिस किया जाए तो एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि इसके जितने भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को छह क्वेश्चन से तीन का वेटिज बहुत सारे पेपर में था आज आपको क्वेश्चन टू थ्री फोर एंड फाइव करवाया गया और उसका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैं ऐसा कह सकूं कि मैंने पास पेपर में उसका एनालिसिस ना किया और किसी न किसी पास पेपर का वो हिस्सा रह चुका है तो ये स्टूडेंट्स आपके पास थे एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव और ये थे उसके इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये थी आपके पास एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं प्लीज़ पहले आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट्स से आप लोग अवेयर रहें मैं बहुत ज़्यादा क्या रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह